के हो की रहा मिसेज मेरा। पहला इस कुड़ी ने आके वरमाला दी रस्म रोक दित्ती, ते हुण तानिया दे पुआजी ने तोहफ़िया दा रौला पा लिया। गल की है विचों? गल तो कुछ भी नहीं है मिसेज बजाज, तुसी सारे जने इत्थे ही हो, देखना नहीं तुसी कि किद्दां दे तोहफे आ रहे ने तुहाडे वास्ते तुहाडी नूह दे परिवार वल्लों। कि जलंधर दे एडे वड्डे परिवार साढ़े वास्ते कोई माड़ा तोहफा थोड़ा लियाउणगे, नाले साढ़े परिवार ने तो कोई तोहफिया की मंग भी नहीं सी रखी। ये तो तुसी खुशी नाल अपनी कुड़ी नूं दित्ते ने, उहदे च सानूं कोई इतराज़ नहीं, बाकी ठीक है सब। गल तो तुहाडी बिल्कुल ठीक है अंकल, पर फिर भी एक बार नज़र मारन विच की हर्ज है, एक बार शगन जिहा ही कर लो तोहफे देख के। हाँ नाले रिवाज भावे ना भी होवे, पर हुण तक दे सानू सारे नूं पता लग ही गया ना कि काश दे ताया जी नूं किद्दां सारा कुछ देखण परखण दी आदत है, वो एक बार विखा दिंदे आ। हुण जे बाद च उहनां नूं पसंद ना आया ते फिर की करांगे दसो मैनूं। है गल घुमा घुमा के क्यों कर रहे भूआ जी, सीधा सीधा क्यों नहीं कहंदे, अपनी भतीजी दे विआह च अड़चन क्यों पा रहे? तुसीं मन तूं तू इत्थे की कर रही है? विआह देखण आई है तो खा पी के विआह दे, रस्मों रिवाजों च तू अड़चन ना पा। हाँ कमो, आ तू ते रूबी ने हुण कड़ी नवी गल छेड़ दित्ती है, चंगे भले चलदे काम विच घड़ां पा रही हो तुसीं। मेरे तो मिन्नतां करा लो जड़ियां करानियां ने, पर हाल दी घड़ी चुप करके खड़ियां रहो, विआह हो लैण दो पहलां। पता नहीं की करी जांदियां ने, मुंडा कुड़ी वरमाला लैके खड़े ने, ते इहनां नूं पता नहीं तोहफ़ियां दी कीहड़ी गल सुझ गई इस वेले। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, एम ही लेट करी जांदे ने विआह। पंडित जी चलो वरमाला करवाओ। रुको रुको, कुड़ी दी भूआ दी गल कीवें मोड़ सकदे असीं, जे ओह तोहफे देखण नूं कह ही रहे ने ते देख लैने आ। लगदा तां मैनूं वी इदां ही है, जे इन्ना कह रहे ने ते वेखण च हर्ज वी की है, वेख लैने आ। हाँ जी दसो किथे रखे ने तोहफे? हाँ जी हाँ जी, तोहफे कड़ा लुको के रखे ने, बस मूहरे वाले कमरे च पए ने। कमो तेरी एक गल है मेरे पले नहीं पै रही, ये तोहफे उन्होंने घर जाने ने, यह दिखाने का कड़ा नवा रिवाज तोड़ लेता तू? जेके मेरा दी बेटी का ब्याह हो रहा है, मैं ना तोहफिया नाल उहदा घर भर देने की तैयारी की हुई है, कोई कमी नहीं रहन देनी मैं तोहफे विच। हाँ हाँ सही गल है, मेरा हाउस तो तोहफे जाने हैं तानिया के सहुरे, कोई माड़े तोहफे थोड़ी जाएंगे, जिहड़ा तुसीं हुणे तोहफे दिखाने की जिद कर दिया पई। बस 5 मिनट लगने ने उन्होंने वेखण च, है ना? नाले वैसे भी कई घरां विच तां मुंडे वाले आप देखते ने कुड़ी वालिया वालों दिते जाने वाले तोहफे। रहन दे तू, ख्वाजे दा गुआ डड्डू, मैं कहड़ा नहीं जानती कमों नूं, जरूर कोई ना कोई पंगा पाने की सोचे हुआ ना इस वेले, ताही इस वेले इन्हें आ गल छेड़ी है। इहनूं तां असीं मैरा हाउस पता नहीं रखिया क्यों है, अपने सहुरे घर जावे उत्थे रहे जाके। कमो वो जिदा तू करती पई है ना, वो इदा का बराती भी नहीं करते, तू तो फिर भी कुड़ी वाले पास है, तू आ तोहफिया की कहानी की पा के बह गई? कोई गल नहीं मिसेज मेरा, जो थोड़े भैन जी कहते ने आप उन्होंने भी सुन लें, तोहफे भी देख लें जी एक बार। मतलब तुम हम तोहफे देखोगे? फिर तो सारी सारी रस्मां मुहूर्त लेट हो जाएंगी ना आंटी जी, फिर तो हो लैंदे हो तोहफे बाद च देख लियो। जे गल हो ही गई है तो पहलो असी तोहफे ही देखांगे। हाँ जी हाँ जी आ जाओ मैं तुहानू लेके चलदी हां। मम्मी जी तुसी भी चलो नाल। हेलो
आप ही पता लगा जेके साहब ना ही कुछ समझ लगी है पता नहीं कमों ने की लैना से उन्होंने तोहफे दिखा के चंगी भली जयमाला होने लगी सी ते विचों ही तोहफे दिखाउन लग गई मैनू पता नहीं क्यों डर जा लग रहा है इहदे विच डरन वाली कड़ी गल गल तो कोई नहीं पर की बतांदा है अगले कड़ी गल किदा सोच लैन इंज करदे हैं जेके साहब आप भी उत्थे चलते हैं सही किया जेके भाजी मैनू तो आप यकीन नहीं है रूबी के कमों उत्ते सानू तो आप जाना चाहिए उत्थे जाके देखना चाहिए उत्थे हुंदा की पिया चलो चलिए जेके भाजी आ जाओ सारे पे थोड़े सामने तोहफे हूँ ताड़ी तो कोई मंग नहीं सी पर मेहरा परिवार वालों तान्या दे सहरे कर लिए इन्ने एक तोहफे तो बनते ही है कि नहीं जी तुसी कहता असी देख ले सारे तोहफे ठीक ने हाँ जी सब ठीक ठाक है जी बहुत वधिया तुसा तो साडे परिवार का बड़ा ख्याल रखिया जी कले कले बंदे वास्ते किन्ने सारे तोहफे ने तोहफे तो बहुत सोने ने पर ओ की प्या है इन्ना वड्डा तोहफा ऐ किदे लई आ बई ये ब्याह दे तोहफियां विच ढोल ढोल भी दे रहे हो तुसी पर किदे वास्ते ते एक कपड़े किदे पाए ने तोहफा ये कोई तोहफा नहीं है अंकल ये तो मैनू ढोल लगता पिया है कमो भुआ ये ढोल इत्थे की कर रहे हैं ओहो माफ करियो जी माफ करियो ये ना गलती ना लागी होनी किसी को उधरले कमरे जो किसी ने रखता होना इधर पता नहीं किने रखता गलती ना उधरों किधरों ओ जी ये ढोल ते गीत दा या गीत दा ढोल गीत दा तुहाडी नूह है ओदे ढोल दा की मतलब ओही मिस्टर बजा जो तुसी सुन रहे हो ये ढोल साडी नूह गीत दा ही है ओही तां असीं पुछ रहे हां गीत दे कोल ढोल की करदा है हां जी जे हुण तुसी ढोल वेख ही लिया ते तुहानूं दस ही देंदी अंकल जी गीत असल विच एक ढोली दी कुड़ी है गीत तुहाडी नूह ढोली दी कुड़ी है हाँ जी सुरजीत ढोली दी कुड़ी गीत ढोली मेरा हाउस विच जदों भी फंक्शन हुंदा सी ना ते ओह ढोल वजाण आंदा हुंदा सी पर तुसी सारे इन्ना हैरान क्यों तुहानूं ये सब गल्लां दा पहला पता नहीं सी छोटी भाभी तू भी ना पूरी गल नहीं दस दे पे उन्होंने गीत सिर्फ मेरा उच्च थोड़ा ढोल बजाती सी ओह ते होर भी कई बारले घरां च मतलब ढोल बजान जाती सी उन्हां दे फंक्शनां ते ते जदों कोई काम नहीं सी ना हुंदा ते उहदा प्यो सुरजीत ढोली ओह बेचारा मजदूरी करदा सी पर सानू तां ये सब नहीं सी पता पता तो तां लगदा जे कोई सानू पहला दसदा ऐ कुछ ते सानू किसे ने दस्या ही नहीं तुहानू हुण पता लग्या है तां यकीन नहीं हुंदा पिया एक्चुअली ओह दूजी गठड़ी भी ओहदी है ते ओहदे विच ओहदे पुराने कपड़े ने एक्चुअली गल इदां सी अंकल कि मल्हार दा पहला मेरे नाल व्याह पक्का होया सी पर उस गीत टोली ने पता नहीं किदां मल्हार नूं अपने चक्कर विच फसा लिया ते फिर ओहदा व्याह मल्हार नाल हो गया गीत ए है मेरा परिवार दी नूह अच्छा तां हुण पता लगा कि मेरा हाउस दी नूह इक टोली दी कुड़ी है तां ही उदों कोई गल खुल के नहीं सी करदे पे बस सिर्फ वही गल नहीं जी वो तो बेचारी पढ़ी लिखी भी है नहीं
उड़ाएड़ा ते एबीसी ओ ते मेरा उस जाके उन्हें सीखना शुरू किया। ऐ ता बड़ी गलत गल है। पहला ता ऐही गल गलत है कि मेरा हाउसी नू एक टोली दी कुड़ी है। उतो तुसी एक गलत साडे कोल लुकोगे रखी। बड़ी माड़ी गल है। असी ता किसे पासे जोगे नहीं सी रहना। जे ऐ गल लुकी रहिंदी जां काश दा व्याह इस मेरा हाउस विच हो जांदा। ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾਣਾ ਬਸ। ਭਾਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ? ਕੀ ਪਤਾ ਮਿਸਟਰ ਬਜਾਜ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਛਾ की बकवास है, की हो रहा थे? कुछ नहीं मिस्टर मेहरा, ऐ तो तुहाडी नूं दीआं सिफतां करदे पए सी। ओ साडी तां जान पहचान ही हुण होई है तुहाडी नूं दे नाल। सानूं हुण पता लग्या कि तुहाडी नूं एक ढोली है, गीत ढोली, सुरजीत ढोली दी कुड़ी, गीत ढोली। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਬਜਾਜ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮਿਸਟਰ ਬਜਾਜ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਤੇ ਸੁਜੱਜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਜਾਜ, ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿਸਿਸ ਮਹਿਰਾ? ਸਾਡਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਡੈਡੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੈਸਟੀ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਡੈਡੀ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਦੇ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਦੇ। I'm sorry daddy. ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋਚ ਲੈ ਆਕਾਸ਼, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਕਾਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ।
डैडी जी ये तुसी की कह रहे हो? वो ये कह रहा जो तू सुनिया है सीधी सीधी गल ते समझ आउंदी है ना तेनू। चल तुर साडे नाल। जे थोड़ी इजाजत होवे तो मैं कुछ कह सकती अंकल जी? तू की कहेंगी सानू? तेरा साडा मुकाबला ही की है? तैनू पता है मेरा कोई मुकाबला नहीं थोड़े नाल, इसे करके तुसी रिश्ता तोड़ रहे हो ना, व्याह तो मना कर रहे हो ना इसे करके। और मैं थोड़े अगे सिर्फ बेनती कर सकती हूँ, मेरी बेनती है अंकल जी, तुसी सिर्फ इस करके रिश्ता ना तोड़ो मेरी ननाना कि ओदी भाभी एक टोली दी धी है। मैं क्या है ना तेनू, तू कुछ ना बोल, चुप करके खड़ी रह। इन्ने माड़े दिन भी नहीं आए साडे कि एक टोली दी कुड़ी ना रिश्ता जोड़ना पवे। साडा भी कोई ना है, कोई इज्जत है समाज विच। आकाश हुण तू किन्नू उड़ीकदा पिया, किसी ने नहीं पौनी तेरे गल दे विच वरमाला। चलो चलिए वापस। नहीं आकाश इदा ना करो, तान्या नू इदा आदमी चल छड़ के ना जाओ। प्लीज आकाश प्लीज वापस ना जा। प्लीज आकाश प्लीज इदा तान्या नू छड़ के ना जा। मैं भी तेरे अगे हाथ जोड़ता, तान्या तेनू बहुत प्यार कर दिया आकाश, ते मैनू पता कि तू भी उन्नू ओना ही प्यार करता। जे तू तान्या नू छड़ के चल जाएगा तो वह तो कल ही रह जाएगी ना आकाश, फिर कौन उसके नाल व्याह करूंगा? प्लीज आकाश तू तो नवे जमाने का मुंडा मॉडर्न है, तू तो इन्नी गल समझ ही सकता। आकाश प्लीज तान्या नू छड़ के ना जा प्लीज। तू अजे भी इन्हां दीआं गल्लां सुनी जाना? चल तुर साडे नाल। मेरा हाथ छड़ दिओ डैडी जी, मैं वापस नहीं जावांगा। मैं तेनू दोबारा कह रहा आकाश, जे तू साडे नाल वापस ना गया तो साडे मरिया दा मूंह वेखेगा। बाकी तेरी मर्जी है। प्लीज डैडी जी गल समझने की कोशिश करो, इतने इदा तमाशा ना बनाओ निकी जी गल का। जीत मैं तो यह सोच के तेन ब्याह की जिम्मेदारी दीती सी कि तू इस ब्याह नूं प्रॉपर तरीके नाल सिरे चढ़ा देंगी, पर तेरे को ले नहीं होया, तेरे करके मेरी बेटी ने मनहूस कह दिता। गीत मैं किन्ना यकीन किया सी तेरे उत्ते, पर तू तो मेरा यकीन ही तोड़ दिता। गीत मल्हार साहब जी
बाहरला गेट बंद करके आओ।